सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जीवन में खत्म होने जैसा कुछ नहीं, यह तो सदैव चलता रहता है। हमेशा एक नई उम्मीद आपका इंतजार करती है, जरूरत सिर्फ उसको पहचानने की होती है। बीती बातों में खोए रहने से बेहतर है कि आप आज अच्छे काम करें और अपना भविष्य सुधारें। ए जिंदगी, तू खेलती बहुत है खुशियों से, हम भी इरादे के पक्के हैं, मुस्कुराना नहीं छोड़ेंगे। आज का पंचांग 24 जून 2022 दिन शुक्रवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रात्रि 11:12 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्विनी नामक नक्षत्र सुबह 8:04 तक रहेगी। इसके उपरांत भरणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:25 से 11:30 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:02 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर। वृषभ राशि 24 जून 2022 दिन शुक्रवार, परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं, जैसे साथ में भोजन करना। उन चिंताओं को बताएं जो आप अपने से छोटे के लिए महसूस कर रही हैं। आर्थिक मामलों पर ध्यान देने की जरूरत है, अभी अधिक खर्च ना करें। आप आज चिंतित हो सकते हैं, अपने प्रेरणा के लिए गंभीरता से सोचना और प्रार्थना करना एक सही विकल्प है। जीवन की अनिश्चितताओं से निकलने के लिए कुछ समय निकालें और अपने दिल की सुनें। आत्मविश्वास के बिना किसी काम में सफल होने की कल्पना करना अपने आप को धोखा देने के समान है। दिन सुखद व्यतीत होगा, साथ ही महत्वपूर्ण योजनाओं को क्रियान्वित करने की ऊर्जा भी बनी रहेगी। विद्यार्थियों को अपने शिक्षा से संबंधित कोई उत्तम समाचार मिलने से मन में प्रसन्नता रहेगी। इस समय अपनी क्षमताओं व ऊर्जा का भरपूर उपयोग करें। नकारात्मक अनुभवों को भूलकर सकारात्मक विचार बनाए रखें। सभी कामों में संतुलन बनाने की कोशिश करें। अभी का समय आपके लिए मुश्किल हो सकता है, परेशानियों का सामना करें। अपने कार्य क्षेत्र में नई बातें सीखने की कोशिश करें। लव लाइफ में बदलाव नजर नहीं आएगा, लेकिन योग्य पार्टनर जल्द ही मिलेगा। गलत खान पान की वजह से पेट संबंधित इन्फेक्शन हो सकता है। सावधानियां, अपने स्वभाव में ईगो चिड़चिड़ापन आदि जैसी बातें ना उपजने दें। अफवाहों पर ध्यान ना दें तथा अपने कार्य पर समर्पित रहें। आय के साथ साथ खर्चे भी सामने आएंगे। बच्चों की कोई नकारात्मक गतिविधि परेशान कर सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक तथा व्यवसायिक गतिविधियों के बीच उचित संतुलन बना रहेगा। युवा वर्ग अपनी मित्रता के प्रति गंभीर रहेंगे। कोई रोमांटिक यात्रा परिवार में आई परेशानियों के कारण रद्द हो सकती है, इससे आपके रिश्ते में खटास आ सकती है, किंतु अपने प्रिय को मनाने के लिए कुछ खास करें और खुशियों को वापस लाएं। भाई बहन आपके दिन को और भी रोचक बना देंगे। आज आप महसूस कर सकते हैं कि आपके साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा, लेकिन निराश ना हो, आपका अच्छा समय शुरू हो गया है। आने वाले समय में आपको अपनी मेहनत का फल प्राप्त होगा। अपने साथी से सब कुछ शेयर करें, साथ ही अपनी साथी को यह बताना ना भूले कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। बात करते हैं करियर की। आप अपने प्राथमिकताओं को अच्छे से जानते हैं और कार्यस्थल में चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार हैं। काम में कोई फैसला लेने से पहले किसी की राय अवश्य ले लें। आज अपने धन निधि और कीमती सामान का ध्यान रखें, क्योंकि आपके ग्रह किसी बड़े नुकसान की तरफ इशारा कर रहे हैं। आज आप कुछ चिंतित महसूस कर सकते हैं। यह समय दिखावे का नहीं बल्कि कुछ कर दिखाने का है। बेहतर संभावनाओं के लिए आज आप प्रार्थना, पूजा या अन्य आध्यात्मिक कार्यों का सहारा ले सकते हैं। कुछ समय निकालें, अपने दिल की सुनें और उसके बाद कोई निर्णय लें। अच्छी सोच बढ़िया है, किंतु अच्छे काम करना बेहतरीन है। बात करते हैं सेहत की। काम की अधिकता की वजह से थकान और तनाव हावी रहेगी।
अपने आराम और स्वास्थ्य के लिए भी समय निकालना जरूरी है। आज का उपाय, आज आप माता लक्ष्मी जी को गुलाब के फूल अर्पित करें, शुभ रहेगा, रहेंगी। मन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो। Yeah.